जगदलपुर महा अप्रैल एवं मई तक के दो महीने का एक मुश्त राशन वितरण के कार्य में काला बाजारी एवं मुनाफाखोरी करने पर जगदलपुर विकास खंड के बाबूस मेरा शासकीय उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन पी दंतेश्वर राव के विरुद्ध धारा 151 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। अनुविभागीय दंडाधिकारी जगदलपुर श्री जी आर मरकाम ने शिकायत के उपरांत जाँच के पश्चात दंतेश्वर राव के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की है। ज्ञातव्य हो कि राज्य शासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के नियंत्रण हेतु लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान आम लोगों को आसानी से राशन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु महत्वाकांक्षी निःशुल्क चावल वितरण एवं किफायती दर पर अन्य खाद्य सामग्री वितरण का कार्य शुरू किया गया है। अनुविभागीय दंडाधिकारी श्री जी आर मरकाम ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन द्वारा इस योजना के अंतर्गत राशन वितरण कर निर्धारित राशि 78 रुपये के बदले 100 रुपये लिए जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। ग्रामीणों से प्राप्त सूचना के आधार पर पूरे प्रकरण के जांच के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की गई है। श्री मरकाम ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार अन्य उचित मूल्य की दुकानों में अप्रैल एवं मई माह के लिए दो महीने का राशन वितरण का कार्य निरंतर जारी है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा माह अप्रैल और मई 2020 का राशन सामग्री का भंडारण किया गया है और सामान्यतः 1 अप्रैल से वितरण भी चालू हो गया है। इसी बीच जैसे आप देखेंगे तो राशन कार्ड में सामान्यतः 2 महीने का 35-35 किलो के हिसाब से 70 किलो मिलना चाहिए और उसके अलावा जैसे चना है 2 किलो, चीनी है 2 किलो, गुड़ है 2 किलो, ठीक है, और नमक है। तो नमक और चावल फ्री है, इस महीने में कोई राशि उनसे नहीं ली जा रही है उपभोक्ताओं से, राशन कार्डधारियों से, लेकिन बाकी सामग्रियों का 78 रुपये होता है। सामान्यतः लोग 100 रुपये लेके आते हैं और 22 रुपये लौटाना चाहिए, जैसा कि बाबू सेमराम इसी तरह की शिकायत थी, लोगों को 22 रुपये नहीं लौटाया गया। हम लोगों ने जाकर स्थानीय जांच की, लोगों से पूछा और सही पाया, तो इस आधार पर यहाँ का जो संचालक है सेल्समैन पी दंतेश्वर राव, इसको 151 में गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया गया है। इसी तरह की कार्रवाई कल हाट कचौरा यहाँ पर भी हुई थी, घाट पदमर में भी हुई थी, वहाँ पर भी इसी तरह का प्रकरण था और हम लगातार शिकायत प्राप्त होने पर कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके अलावा हमारा जो स्टाफ है राजस्व अधिकारियों को, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, इवन पटवारी और फूड इंस्पेक्टर भी जाके जाँच कर रहे हैं और इस तरह की अगर शासन के नियमों का, निर्देशों का अगर उचित तरीके से पालन नहीं होगा तो लगातार कार्रवाई होती है।